गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने हमारा ओरल कैविटी यानी कि माउथ कंप्लीट कर लिया था। अब माउथ के बाद जो नया ऑर्गन है या जो नेक्स्ट ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है, वो है फेरिंग्स। तो आइए हम देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स इट इज अ कोन शेप और फनल शेप स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, या तो कोन शेप बोल सकते हैं इसको हम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो ये हमारे दोनों सिस्टम्स में इंक्लूड होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन में भी इस फेरिंग्स का रोल है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इस फेरिंग्स का, इस पर्टिकुलर ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो अगर हम अभी हम यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इसका रोल डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कोन शेप स्ट्रक्चर होता है और फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये कंटिन्यू होता है हमारे ओरल कैविटी से किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो ओपन होती है हमारी फेरिंग्स के अंदर, एंड देन फेरिंग्स जो होता है वो फर्दर लिंक होता है हमारे इसोफेगस से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फेरिंग्स होता है ये कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है, एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ओरल कैविटी एंड इसोफेगस। ओके, तो हमारी जो ओरल कैविटी है, माउथ से जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, वो फेरिंग्स के थ्रू ही किसमें ओपन होगा जाके, या फेरिंग्स के थ्रू ही किसमें जाके वो जाएगा, हमारे इसोफेगस के अंदर, ठीक है। हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो हमारा फेरिंग्स होता है, ठीक है, ये तीन टाइप का होता है, या हम बोल सकते हैं इसके थ्री पार्ट होते हैं। फेरिंग्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट कहलाता है हमारा नेसोफेरिंग्स। क्या कहलाता है? नेसोफेरिंग्स। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट कहलाता है हमारा पोरोफेरिंग्स। एंड अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट इसका कहलाता है लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, तो ये तीन पार्ट हो गए किसके, हमारे फेरिंग्स के। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नेसोफेरिंग्स की, ठीक है, तो जो नेसोफेरिंग्स होता है उसका डायरेक्टली रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन में। रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस नेसोफेरिंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर कोई भी रोल नहीं होता, जबकि अगर हम बात करें हमारे ओरोफेरिंग्स एंड हमारे लैरिंजोफेरिंग्स की, ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इन्वॉल्व्स होते हैं, इन्वॉल्व्स इन बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स जो होते हैं वो पार्ट जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, वो दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेशन और रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। ये हमने इसके पार्ट्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका फंक्शन, जैसे कि हमने बात करी थी कि फंक्शन क्या हो गया इसका, कि भाई फूड को ओरल कैविटी से किसमें पहुंचाना, इसोफेगस में पहुंचाना, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें लैरिंग्स के, इट फंक्शन एज टू प्रोवाइड द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू इसोफेगस। इसका ये फंक्शन होता है कि ये ओरल कैविटी या माउथ से
जो फूड होता है उसको कहां पहुंच जाता है, इसोफेगस में। ये इसका डाइजेशन की फॉर्म में फंक्शन हो गया है। मैंने कि जैसा बताया आपको, हम फेरिंग्स जो है वो यहाँ पे हम डाइजेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी लाइनिंग्स की, कि जो हमारा फेरिंग्स होता है उसकी कौन कौन सी लाइनिंग होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लाइनिंग्स की बात करें तो इसकी थ्री लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो सबसे जो बात करेंगे हम वो होती है इनर लेयर, ठीक है। तो इसकी इनर लेयर होती है, ठीक है, वो कंसिस्ट होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बात करी हमने, जो हमारी इनर लेयर है, हमारी फेरिंग्स की जो इनर लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, वो किससे कंसिस्ट होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके वो बनी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनने का इसका फायदा क्या, एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करती है फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ फूड। जो हमारा फूड जो होता है वो किसी भी टाइप का हम अगर फूड अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अगर हमारी इनर लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, तो हमारी इनर मोस्ट लेयर को या म्यूकोजा को हमारी किससे बचाएगा, बियर एंड टीयर से बचाएगा, जो कि किससे, किसके कारण होता है, बाय फूड से, ऑफ की जगह बाय फूड, ठीक है। सेकेंड अगर हम इसकी लाइनिंग की बात करें, मिडिल लेयर, ठीक है, अगर हम इसकी मिडिल लेयर की बात करते हैं तो जो इसकी मिडिल लेयर होती है, ठीक है, वो कंसिस्ट होती है कनेक्टिव टिश्यू से। वो किससे मिलकर बनी होती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और इसी लेयर के अंदर हमारे सारे जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, यहां पे ऊपर लिख देते हैं हम, मिडिल लेयर इसकी जो है वो किससे मिलकर बनी, हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ऑफिस लिख देते हैं हम मिडिल लेयर, जैसे कि मैंने आप सबको बताया मिडिल लेयर जो होती है वो हमारे किसके कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ओके। अब इस मिडिल लेयर के अंदर से ही हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, या लिम्फ हो गई, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ये सब पास होती है, ठीक है। तो हमारी मिडिल लेयर के अंदर ही हमारी क्या, ये सारी जितनी भी वेसल्स है, जितनी भी नर्व्स वगैरह है, ठीक है, वो कंटेन करती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारी लास्ट लेयर की, आउटर लेयर, हम मिडिल लेयर की बात कर चुके हैं, हम उसकी इनर लेयर की बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हमारी आउटर लेयर की, ठीक है, तो अगर इसकी हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो होती है हमारी होती है, ठीक है, वो मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, consist of involuntary muscles। एक बात हमको ये ध्यान देनी है यहाँ पे कि जैसे हमारा फूड, ठीक है, फेरिंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है, तो फेरिंग्स की आउटर लेयर जो होती है वो किससे मिलके बनी, involuntary muscles से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो फिर हमारा जो फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल खो जाता है, हम वॉलंटरी कंट्रोल अपना खो देते हैं, फिर वो जो हमारी आउटर लेयर होती है जो किससे मिलकर बनी, इनवॉलंटरी मसल्स है, तो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा जो हमारा फूड होता है वो आगे हमारा फेरिंग्स किसमें पास होगा, इसोफेगस में पास होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारी जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या हो गया, वो फंक्शन करती है सर इन द हेल्प ऑफ स्वेलोइंग, निगलने में काम करती है, ठीक है, और जो भी किससे मिलकर बनी है भाई, इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। तो ये इसकी तीन लेयर्स हमने देख ली यहाँ पर। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें
ब्लड सप्लाई की, कि हमारे फेरिंग्स जो होता है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आर्टेरियल सप्लाई कि इस कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। अगर इसकी हम आर्टेरियल सप्लाई की सबसे पहले अगर हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो जो फेशियल आर्टरीज होती है हमारी, ठीक है, वो सेवरल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरीज इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई जो इसकी वो क्या होगी, फेशियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी वीनस सप्लाई की बात करें, अगर हम इसकी वीनस सप्लाई की बात करें तो वही फेशियल कौन सी होगी, फेशियल वीन्स होगी, ठीक है। एंड इसके अंदर एक और चीज जुड़ जाती है, फेशियल वीन्स एंड इंटरनल जुगुलर वीन्स, इंटरनल जुगुलर वीन, ठीक है, ये हमारे इसकी ब्लड सप्लाई की बात होगी। आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, फेशियल आर्टरी, और जो इसकी वीनस सप्लाई होती है वो कौन करता है, हमारी फेशियल वीन एंड इंटरनल जुगुलर वीन, ठीक है। फेशियल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई, इसकी बात करते हैं हम नर्व सप्लाई की, ठीक है। तो नर्व सप्लाई की अगर हम इसकी बात करें तो जो इसको फेरेंजियल हमारा प्लेक्सस होता है, ठीक है, फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है, फेरेंजियल प्लेक्सस इसको नर्व सप्लाई प्रदान करता है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट होता है हमारा, विच कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक वीन्स नर्व्स, ठीक है। तो ये हमारी फेरिंग्स की नर्व सप्लाई हो गई, ठीक है। आज हमने फेरिंग्स पढ़ा था, फेरिंग्स का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया तीन पार्ट्स हमने इसके पढ़े, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स जो होता है वो डायरेक्टली हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जबकि अगर हम ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स की बात करें तो उसका जो रोल होता है इन दोनों पार्ट्स का, वो डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है और वो रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो आज हमने पूरा फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देख लिया, इसका शेप देख लिया कि ये फनल शेप होता है, ये कोन शेप होता है, और इसके हमने नर्व सप्लाई और अपने ब्लड सप्लाई, ये सब हमने आज इसकी बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा ईसोफेगस। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।